मेन वुमेन दोनों बिना कपड़े के उन सोनास में जाते हैं। मेरे साइड में जो एक लड़का लड़की थे वो अचानक किस करना शुरू हुए। वो कहती है कि मम्मी का जो बॉयफ्रेंड है वो कहीं और रहता है। हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ बहुत ही कुछ मजेदार इंसिडेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ, जो जर्मनी में आने के बाद मुझे लगे कि ये तो एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक है। इंडिया में तो ये सारी चीजें नहीं होती थी, और जर्मनी में जब मैं नई नई आई तब तो कुछ ऐसी चीजें हुई है जो आगे मैं आपको किससे बताने वाली हूँ। वो सुन के तो मुझे लगा कि यार ऐसी भी चीज़ें होती है जर्मनी में और ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पे, ये तो पहली बार सुना है मैंने। तो ऐसे कुछ मज़ेदार इंसिडेंट्स हैं। और इनफैक्ट आप कमेंट में ना जब वीडियो देखते देखते आप ये भी बताना कि ऐसे कौन से सारे जो इंसिडेंट्स हैं जो आपको भी शॉकिंग लग रहे हैं कि यार ये ऐसी सारी चीज़ें होती है, ये तो हमने नहीं सुना। या ये भी बताना कि यार ये इंडिया में भी कॉमन है, ये इतना कोई बड़ा कल्चरल शॉक नहीं है। तो आपके कमेंट्स भी बताना, मुझे बड़ा मज़ा आएगा ये पढ़ के। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जो आपको सारे इंसिडेंट्स पता लगने वाले हैं या जो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करने वाली हूँ, वो मैंने खुद जो यहाँ पे लोग रहते हैं, फ्रेंड्स बने हैं, कलीग्स बने हैं, उनके एक्सपीरियंसेस उन्हें जो शेयर करे हैं उन्होंने, या फिर जो कॉमनली यहाँ पे चीज़ें होती है उस बेसिस पे जो मुझे कल्चरल शॉक लगा वो मैं शेयर कर रही हूँ। कमेंट में आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये तो मेरे दोस्त ने कुछ और कहा है, ये कहा है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ, तो ये भी चीज़ याद रखना। ऐसा नहीं है कि हर कोई जर्मनी में ऐसे ही करता है। जर्मनी में जब मैं नई नई आई थी ना, मुझे बहुत ही अजीब एक चीज़ लगी। मतलब मेरा पहला या दूसरा हफ्ता ही था यहाँ पे, एंड मैंने नोटिस किया कि यार यहाँ पे जो आते जाते हुए लोग हैं रास्ते पे, या फिर आप जिस एरिया में रहते हो, बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में या ऑफिस के लिफ्ट में या सुपरमार्केट में, लोग आपको हाय कह रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं आपके साथ। एंड आई वाज लाइक, मैं तो इनको नहीं जानती, ये मुझे स्माइल क्यों कर रहे हैं? तो मेरे लिए तो ऐसा था कि यार क्या करूँ, मैं स्माइल बैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं तो एक्चुअली सहम गई थी कि हाउ डू दीज पीपल नो मी, इवन इफ दे नो मी और नॉट। तो ऐसे था, बट फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल है यहाँ पे, लोग आपको जब भी मिलते हैं, दिखते हैं, स्माइल करते हैं, तो आपने उनको स्माइल बैक करना है, हाय कहते हैं तो हाय हेलो करना है। ज़्यादा ये डिटेल में फिर उसके बाद गप्पे नहीं मारते आपसे कि हाउ आर यू या आप कहाँ जा रहे हो, ये ऐसी इतनी बातें नहीं होती। बट एक कॉमन जेस्चर है यहाँ पे कि लोग आपको जब भी देखते हैं तो एक बेसिक यू नो जेस्चर है कि स्माइल करते हैं एंड यू हैव टू स्माइल बैक। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ही अच्छी लगी, बट दिस वॉज वेरी शॉकिंग व्हेन आई केम टू जर्मनी। तो अगर आप भी आ रहे हो तो इसको कोई गलत सिग्नल मत समझना, कोई स्माइल कर रहा है तो स्माइल बैक करके, हाय हेलो करके, इट्स अ गुड फीलिंग। और एक चीज़ ना यहाँ पे मुझे बहुत ही एकदम ऑकवर्ड लगी थी, जब मैं ट्रेन स्टेशन पे रुकी थी ट्रेन के लिए, और मेरे साइड में जो एक लड़का लड़की थे वो अचानक किस करना शुरू हुए। एंड आई वाज लाइक सो ऑकवर्ड कि मैं कहाँ देखूँ कहाँ जाऊँ, ऐसे वाला हुआ मेरे को। क्योंकि यार इंडिया में तो हमने मतलब मूवीज़ या ऐसे देखा था, और वहाँ पे भी ऐसा कोई नॉर्मल नहीं है पीडीए करना, या फिर आप ऐसे आराम से अगर घूमते भी हो हाथों में हाथ डाल के तो चार लोग देखते हैं। तो इट वॉज नॉट वेरी कॉमन। सुना था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसी सारी चीज़ें होती है, बट आते ही जब आपको एकदम आपके साइड में खड़े हुए लोग ऐसे सब करते हुए दिखे तो बड़ा ही अजीब फील होता है। तो मुझे तो लगा था, आई एम नॉट श्योर बाकी लोगों को क्या लगता होगा, बट मेरे लिए तो एक शॉक था। तो ये लोग बड़ा ओपन है अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, एंड दैट इज आल्सो गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, बट फॉर सम पीपल इट्स शॉकिंग। तो बस मैंने इसलिए शेयर किया। तो आपको ना मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। तो जहाँ पे मैं ऑफिस में काम करती थी पहले, वहाँ पे मेरी एक कलीग थी, उसकी ना 3-4 साल की बच्ची है। तो एक बार हमें आफ्टर ऑफिस एक डिनर इवेंट के लिए जाना था, एंड शी सेड कि मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड नहीं है घर पे और बच्ची संभालने के लिए कोई नहीं है। ठीक है भैया, होगा कुछ काम उसको। फिर दूसरी बार ये इंसिडेंट हुआ कि वो कहती है कि आज ना मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी, इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो बिजनेस ट्रिप पे गया है और आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विथ माई डॉटर बिकॉज उसकी छुट्टियाँ चल रही है। एज लाइक ओके, एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि यार ये हमेशा किसी फ्रेंड की बात करती है, बच्ची की बात करती है, इसका पति का है मतलब हस्बैंड का है वो ध्यान नहीं रख रहा क्या बच्ची का, ऐसा होता है ना अपना। देन कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा ये जो फ्रेंड फ्रेंड करती थी वो एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड था, एंड वो उसके साथ लिव इन में रह रही थी। मतलब लिव इन में रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो पता था, ठीक है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं लिव इन में, ये तो बहुत जगहों पे अभी कॉमन हो गया है, बट लिव इन में रहते रहते उनकी वो बच्ची भी थी। मतलब यहाँ पे लोग लिव इन में रह के भी बच्चा करते हैं, ये बहुत कॉमन है। अब कुछ महीनों के बाद तो उनकी शादी होगी, एंड वो ऐसी सिचुएशन थी, हालांकि शादी में ज़्यादा लोगों को बुलाते नहीं है, 20-30 लोग ही होते हैं उनके, बट उनके बच्चे भी फिर शादी अटेंड करते हैं। जस्ट इमेजिन कितनी ये शॉकिंग चीज़ है। मतलब इंडिया में इमेजिन करो
बच्चे अपने पेरेंट्स की शादी अटेंड करने जा रहे हैं, बड़ा ही वियर्ड सा नहीं लग रहा है? तो ऐसी भी यहाँ पे चीजें होती है एंड दैट इज वेरी कॉमन। ये तो मुझे बहुत शॉकिंग लगी थी। और इससे ना मुझे एक बात याद आई, देखो हमने तो सुना है कि जो बच्चे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में वो 18 ईयर्स होते ही अलग से रहने लगते हैं, मूव आउट करते हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, अलग से रहने लगते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड बनती है, उनके साथ रहने लगते हैं, ऐसी चीजें सुनी थी। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, क्रिसमस टाइम था, मेरा पहला ही क्रिसमस था यहाँ पे एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू नो कि ये लोग कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या प्लान होता है इनका क्रिसमस वेकेशन के लिए, कहाँ जाते हैं पेरेंट्स के साथ। तो मैंने अपनी जो फ्रेंड है उसको पूछा कि क्या प्लान है तुम्हारा क्रिसमस का, तो वो कहती है कि वन डे आई विल गो आउट फॉर डिनर, तो मैं जो मेरे पापा है उनकी फैमिली के साथ डिनर के लिए जाऊंगी और फिर मम्मी के साथ वेकेशन के लिए जाऊंगी। एंड आई वाज लाइक, पापा के फैमिली के साथ डिनर पे जाऊंगी मतलब? तो बोलती कि हाँ, पापा जो है वो गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, तो जो गर्लफ्रेंड है वो अपने बच्चों को लेके आएंगे और मैं, हमारे जो पापा है, हम उनके बच्चे, वो ये और उसका सिबलिंग, ऐसे जाके एक मीटअप होगा एंड दे विल हैव देयर क्रिसमस डिनर। एंड कहती है फिर उसके बाद वाला जो वीकेंड है न्यू ईयर वाला, उस टाइमिंग पे तो आई विल बी गोइंग आउट विथ माई मॉम्स फैमिली। तो मॉम्स फैमिली, शी सेड कि हाँ, जो मम्मी का जो बॉयफ्रेंड है वो कहीं और रहता है। आई मीन सॉरी बट ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, मतलब वो कहती है कि मम्मी का जो बॉयफ्रेंड है वो कहीं और रहता है और उनके भी बच्चे हैं, तो वी आर गोइंग आउट ऑन अ वेकेशन विद देम इस बार। एंड आई वॉज लाइक अनबिलीवेबल, मतलब ये इमेजिन करो पापा किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं एंड बच्चे उनके भी आ रहे हैं, सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। मतलब ठीक है, चलो मैं इन बारे में कमेंट नहीं करूँगी, आई एम जस्ट शेयरिंग कि ये ऐसी चीज़ है इनके कल्चर में, इट्स वेरी नॉर्मल। हम अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर हमारे लिए फैमिलीज एंड बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप्स ये बहुत अलग तरीके से मायने रखती है, एंड इनके लिए ये इस तरीके का दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, स्टेइंग टूगेदर, डिफरेंट रिलेशनशिप्स रहना। बट हमारे लिए ये बड़ी ही शॉकिंग लगती है व्हेन वी कम अक्रॉस और व्हेन वी हियर सच स्टोरीज। तो ये चीज़ तो एक्चुअल में मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी। और जब यहाँ पे ना आप खाना खाने के लिए बाहर जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ना हर कोई अपने लिए एक एक चीज़ मंगाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक फैमिली बाहर गई है, ठीक है, मम्मी पापा और दो बच्चे ऐसे बाहर गए हैं, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हर कोई अपने लिए एक डिश ऑर्डर कर लेता है, बट एक्चुअली एक डिश जो होती है उसका पोर्शन इतना ज़्यादा बड़ा होता है, फिर भी उनको शेयरिंग नहीं करनी है। मेरा खाना, मुझे ये खाने का मन है, वो खाना लेंगे, ऑर्डर करेंगे। एंड इनफैक्ट यहाँ पे किड्स के लिए अलग से मेन्यू होता है, तो किड्स भी अपने लिए कह देते हैं कि मुझे ये खाना है, चिकन नगेट्स खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो सबका खाना आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे की प्लेट से खाएगा या बच्चा जो है वो सोच रहा है कि अरे मम्मी का खाना अच्छा लग रहा है, चलो उस प्लेट से हाथ डालो, ऐसा नहीं। और जो हस्बैंड वाइफ है वो भी ऐसा नहीं है कि चलो आपने कुछ अलग चीज़ मंगाई या मैंने कुछ अलग चीज़ मंगाई तो एक दूसरे की प्लेट से थोड़ा सा ट्राई करेंगे। एक तो अपनी अपनी चीज़ लेंगे, ख़त्म हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं ख़त्म हो गई तो वहीं पे छोड़ देते हैं या फिर पैक करके घर लेके जाते हैं। बट ये भी होता है कि इनको ना अब कभी कभी ऐसे होता है कि चलो दोनों को एक ही चीज़ खाने का मन है, तो इनका रहता है कि मेरे को भी मन है, तुम्हें भी मन है, चिकन रोल खाना है, दोनों अपने लिए एक एक चिकन रोल मंगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ और कोई मंगा ले और फिर आप शेयर करो, ऐसा नहीं है। और कुछ कपल्स ऐसे भी है यहाँ पे जो बाहर जब जाते हैं खाने पीने के लिए या कुछ भी करना है तो उनका रहता है कि आधा आधा करना है हिस्सा, मतलब बिल लेने के लिए जब भी वेटर आते हैं ना वो हमेशा पूछते हैं कि आपको बिल कैसे भरना है, आपको एक साथ भरना है या फिर आपको स्प्लिट करना है। तो ये बहुत हैरानी की बात है, मतलब इंडिया में तो जो फैमिलीज है कभी तो सोचना ही नहीं पड़ता था कि यार मम्मी अलग से बिल भर रही है, पापा अलग से बिल भर रहे हैं। जनरली फ्रेंड्स के साथ जब आप बाहर जाते थे तब ये होता था कि तू अपना अपना बिल भर, अपना स्प्लिट कर लेते हैं, बट यहाँ पे ये बहुत कॉमन है कि कपल्स में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि मैंने इतना खाया है, दोनों का आधा आधा करेंगे, तू अपना पैसे भर, मैं अपना पैसे भरूंगा। एंड इनफैक्ट मेरी एक जो फ्रेंड है वो कह रही थी कि क्रिसमस के लिए भी वो लोग डिसाइड करते हैं कि 100 यूरो का मैं देखो गिफ्ट देने वाली हूँ, तो जो उसका बॉयफ्रेंड या पति जो भी उनका रिलेशनशिप स्टेटस होगा उसके हिसाब से वो फिर डिसाइड करते हैं कि 100 यूरो का इसने दिया तो मैं भी उसको 100 यूरो का दूंगा। ऐसे उनके अंदर डिसाइड भी होता है कि कितना बजट किसके लिए ये करना है, तू उतना इनपुट देंगी तो मैं भी उतना ही पैसे दूंगा, ऐसी चीजें भी यहाँ पे बहुत कॉमन है। और यहाँ पे जैसे पेरेंट्स अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी सीन है कि अगर बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलना है तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। मतलब गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट खत्म नहीं होती, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं खत्म होती, और पेरेंट्स को भी मिलना है तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे तो यार
कौन सोचता है घर वालों से मिलना है, पेरेंट्स से मिलना है, तो खुद माँ बाप दौड़ते आते हैं कि बच्चे को मिलना है अपने, कब मिलेंगे, और बच्चे भी इतना नहीं सोचते, खुद का घर है कभी भी जाओ आप, ऐसे होता है कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बच्चों को या फिर पेरेंट्स को उनसे टाइम लेना होता है कि कौन से दिन पे आप फ्री हो गए, कौन से दिन पे अवेलेबल हो, कौन से 2-3 घंटे के लिए, या कौन से दिन आप यू नो यू हैव इनफ टाइम कि आप मेरे साथ स्पेंड करो, या फिर कुछ काम होगा तो उसके लिए मिलो। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे, खुद के पेरेंट्स को मिलने के लिए, बच्चों को मिलने के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट से आप फिर टाइम फिक्स करते हो और फिर मिलते हो। और अभी मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ जर्मनी आने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस करी, एंड वो अभी भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है अभी भी। एंड दैट इज़, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैं गई यहाँ पे जिम पे, ठीक है, और यहाँ पे जो जिम है वहाँ पे अच्छा सा सब कुछ था, पूल था, सोना था, सब कुछ था वहाँ पे। और मैं गई चेंजिंग रूम में, और चेंजिंग रूम में जाते ही मुझे एक इतनी अजीब सी चीज़ एकदम एक्सपीरियंस हुई। अंदर जाते, अच्छा गर्ल्स अलग सेपरेट चेंजिंग रूम, बॉयज़ अलग सेपरेट चेंजिंग रूम, ठीक है। गर्ल्स चेंजिंग रूम में जाने के बाद मैंने देखा कि अंदर जो वुमेन है अपना ओपनली सबके सामने चेंज कर रही है, अनड्रेस हो रही है एंड एवरीथिंग। देन जो शार एरिया है, शार एरिया भी बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, नॉर्मल बस शार के सेक्शंस बने हुए हैं, एंड एवरी वन इज जस्ट स्टैंडिंग और ओपनली शार ले रहे हैं। एंड आई वॉज लाइक सो ऑकवर्ड कि यार ये कैसे कर लेते। और इनफैक्ट बॉयज़ के लिए भी कुछ ऐसा ही था, मतलब जो मेरे मेल फ्रेंड्स थे जो वहाँ पे जिम यूज़ करना स्टार्ट किया, दे वर ऑल्सो सरप्राइज बींग मैन कि यार मैन के लिए भी इट्स सो ऑकवर्ड कि लोग अपना ऐसे ही पूरा विदाउट क्लोज चेंजिंग रूम में घूम रहे हैं या शार ले रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो कि इंडिया से आके जब आप ऐसी जगहों पर आते हो तब आपको लगता है कि यार ये बहुत ही बड़ा एक शौक है। और यहाँ पर जो सोनाज है कुछ ऐसे है जो कि स्पेसिफिकली वुमेन के लिए है, और वहाँ पे जो वुमेन है वो पूरा टॉपलेस जाती है सोना में, बिकॉज एक तरीके से सोनाज में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है बहुत जगहों पे कि आप बिना कपड़ों के अंदर जाओ बिकॉज ऑफ हाइजीनिक रीजंस। एंड इनफैक्ट मेन सोनाज में भी ऐसे ही होता है कि मेन डायरेक्टली यहाँ पे यू नो बिना कुछ लगाए हुए टावल वावल कुछ भी नहीं डायरेक्टली सोना में जाते हैं। एंड कुछ सोनाज ऐसे भी होते हैं जो कि कॉमन होते हैं बोथ मेन एंड वुमेन के लिए, वहाँ पे भी मेन वुमेन दोनों बिना कपड़े के उन सोनाज में जाते हैं। और जर्मनी में मुझे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे फ्राई कोपर कल्चर है, मतलब अगर इसको मैं लिटरली ट्रांसलेट करूँ तो इट मींस फ्री बॉडी कल्चर। तो यू आर नॉट फोर्स्ड और यू शुड नॉट वेयर क्लोथ, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, आप बिना कपड़े के भी जा सकते हो सोनाज में। एंड इनफैक्ट बहुत सारे सोनाज ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है यू आर नॉट अलाउड टू गो विथ क्लोथ्स, आपको पूरा कपड़े निकाल के ही वो सोना यूज कर सकते हो आप। एंड जर्मनी में मेरा फर्स्ट वीक ही था, एंड शाम के कुछ क्या 7:30-8 हो रहे थे और विंटर का टाइम था और दुकानें वगैरह बंद हो रही थी, एंड आई सॉ सम ग्रुप ऑफ गाइज हु वर ड्रिंकिंग बियर, और आई वॉज लाइक सो शॉक कि उनके हाथ में बियर है और वो ओपनली यू नो पब्लिक प्लेसेस में ड्रिंक कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंडिया जहाँ पे इट्स नॉट सो नॉर्मल टू सी यू नो अल्कोहल या बियर भी फॉर दैट मैटर काली थैली में देते हैं, लोग छुपा छुपा के लेके जाते हैं। एंड कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे इतना मेरे घर पे भी इतना नॉर्मल नहीं था कि कोई ड्रिंक कर रहा है एंड ऑल, एंड उसके बाद मैं पब्लिक प्लेस में लोगों को देख रही हूँ तो आई वॉज स्कैर्ड कि यार ये कोई हरकत तो नहीं करेंगे, मतलब ड्रिंक करने के बाद यू नेवर नो बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपीरियंसिंग समथिंग लाइक दिस बिफोर कि जहाँ पे मैं अकेली हूँ और यू नो ऐसे सामने सिचुएशन है। बट एक चीज़ ओवर टाइम मुझे पता लगी कि दिस इज़ वेरी कॉमन इन जर्मनी स्पेशली ड्यूरिंग समर टाइम, एंड यू नो जब वेदर अच्छा हो तो लोग बियर लेते हैं, वाइन लेते हैं, दे ड्रिंक आउटसाइड पार्क्स में, इनफैक्ट जो पीछे भी बेंच पे लोग बैठे हैं अभी अच्छा मौसम है 20-22 डिग्री हो रहे हैं तो दे आर लाइक यू नो दे हैव पिक्ड बियर और वो अच्छे से बैठ के वहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। और बेस्ट चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे पीते भी है अगर पब्लिक प्लेसेस में तो कोई तंग नहीं करता आपको, हर कोई अपने अपने में बिजी होता है, अपने मस्ती करता है, बट नो वन इज ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, तो ये भी ठीक है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो 18+ अबाव है वो भी बियर वगैरह लेके पार्क्स में घूमते हैं, नदी किनारे बैठते हैं, लेक्स के यहाँ पे बैठते हैं समर में, सो दिस इज वेरी नॉर्मल। बट स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंडिया अगर आपने ऐसा माहौल नहीं देखा है और अचानक से आप देखते हो कि पब्लिक प्लेसेस में अलाउड है यहाँ पे बियर पीना, तो दैट इज लाइक अ बिट ऑफ शॉकिंग। और आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है या फॉर दैट मैटर बर्थडे है तो आपको क्या लगेगा कि आपके जो फ्रेंड्स है या जो भी है आपके आसपास कलीग्स हैं वो आपके लिए केक लाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, राइट? बट जर्मनी में ये इतना कॉमन नहीं है। आपका अगर बर्थडे है या आपका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट दिन है जो आपको सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे लोग खुद ही केक घर पे बेक करते हैं या फिर मार्केट से लाते हैं या समथिंग दे फिगर आउट, एंड वो खुद ही वो चीज़ें यू नो स्वीट्स या फिर केक ऐसे कलीग्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए लेके जाते हैं। तो ये एक चीज़ जो मुझे बहुत यहाँ पे सरप्राइजिंग लगी कि
वीकेंड पे ये लोग खुद ही केक बनाते हैं क्योंकि इनका बर्थडे है, तो वो बर्थडे के लिए प्रॉपर ऐसे वो आता है केक होल्डर, वो उसमें प्रॉपर सब लोग केक लेके जाते हैं ऑफिस में। हमारे कलीग्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बर्थडे के दिन खुद ही केक ले आते हैं सबके लिए। दिस इज़ वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये है, बर्थडे की बात हो ही रही थी तो मैं बताती हूँ, जर्मनी में ऐसे माना जाता है कि अगर बर्थडे है आपका तो 12 बजे से पहले जर्मन को किसी बर्थडे को विश मत करना, क्योंकि ये समझते हैं कि 12 बजे से अगर पहले विश किया तो दैट ब्रिंग्स बैड लक। तो अगर किसी का बर्थडे है जर्मन का तो 12 बजे के बाद करना, 12 बजे के पहले मत करना, नहीं तो इनको ये है माइंडसेट, कुछ लोगों का अभी भी लगता है कि ये इट ब्रिंग्स बैड लक, तो इसलिए नहीं विश करते। और एक चीज़ है जो यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ कलीग्स ने बताई कि जब आप चीयर्स करते हो यहाँ पे तो वो लोग कहते हैं प्रोस्ट, तो वो कहते टाइम आपने जिनके साथ आप चीयर्स कर रहे हो उनके आँखों में देखना है, क्योंकि अगर आपने आँखों में नहीं देखा तो ऐसे माना जाता है दैट इट ब्रिंग्स यू बैड सेक्स लाइफ फॉर 7 years। तो ऐसे भी इनके अंदर यू नो कल्चर में इनके ऐसे बिलीव्स है या ये कुछ चीज़ों को मानते हैं, ये भी मुझे कुछ शॉकिंग लगा कि अच्छा ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। तो गाइज ये रही कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे जर्मनी आने के बाद लगी कि ये तो बड़ा कल्चरल शॉक है जो मैंने एक्सपीरियंस करी, और आई थॉट कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी भी मुझे शॉकिंग लगती है, आप भी बताना कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें लग रही है ये वीडियो देखने के बाद। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना जो जर्मनी आने वाला है, ताकि उनको भी पता लगे कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, अंटिल देन आउफ विडरज़ेन।